नारायणगढ़ विधानसभा में जन आशीर्वाद रैली में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी का संबोधन। इस क्षेत्र के हमारे पूर्व विधायक पम्मी दीवान जी, पूर्व विधायिका मुलाना से संतोष चौहान सरवान जी, सुमन सैनी जी, सुरेंद्र राणा जी और हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष मनदीप राणा जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे राजेश बतौरा जी, किसान मोर्चा के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जसमेर राणा जी, करमचंद गोल्डी सैनी जी, विवेक गुप्ता जी, हमारी विधानसभा के संयोजक अश्विनी अग्रवाल जी, युवा मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष संदीप सैनी जी, ओबीसी मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष सतीश धीमान जी, किसान मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष जसविंदर सिंह बक्तुआ जी, नरेंद्र राणा जी, राजू मक्कड़ जी और हमारे नगर पालिका नारायणगढ़ के प्रधान रहे अमित वालिया जी, श्रीमती जगदीप कौर जी, राजेश लाडी जी, गुरनाम सिंह जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, रणधीर सैनी जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, मंगूराम शर्मा जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, राकेश बिंदल जी और श्रीमती रिंकी वालिया जी हमारी चेयरपर्सन नगरपालिका, आईना गुप्ता जी हमारी सह चेयरपर्सन नगरपालिका, संजू महात्मा जी और हमारे पवन गुर्जर जी, राजवीर बराड़ा जी, जगमाल सैनी जी, श्रीमती प्रीतपाल कौर जी, अशोक सैनी जी, मदन चांदना जी, आशीष तायल जी और हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे जगमोहन लाल कुमार जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, और आज इस जन आशीर्वाद रैली में हमारे नारायणगढ़ क्षेत्र के हर गांव से यहां पर पधारे मेरी मातृशक्ति, बुजुर्ग, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है, ये नारायणगढ़ की ये वो पवित्र माटी जिसको माथे पर लगा करके मैंने यहां से राजनीति की शुरुआत की थी। आज वह दिन मुझे याद आ रहा है जब 2014 में आप लोगों ने यहां से जो आशीर्वाद दिया था और विधायक के रूप में आप लोगों ने चुना था, और आपके आशीर्वाद से पार्टी ने सरकार के अंदर मंत्री के रूप में जिम्मेवारी दी थी, और मेरा ये परम सौभाग्य रहा कि उन 5 वर्षों के अंदर मेरे से जितना बन पड़ा मैंने डट करके इस नारायणगढ़ के लोगों की सेवा करने का काम किया है। और उसके साथ साथ जब मंत्री के रूप में जिम्मेवारी दी गई
तो जितना भी समय लगा हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में भी जा करके काम करने का मुझे अवसर मिला है। और आज उसी आशीर्वाद के कारण, जो आशीर्वाद आप लोगों ने 2014 में अपने बेटे भाई को दिया था, उसी का परिणाम है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और इस जन आशीर्वाद रैली के बीच में आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए, मैं ये 2024 के लिए आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मुझे यह पूर्ण विश्वास है, नारायणगढ़ के लोगों से यह मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाइयों, 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर नारायणगढ़ की विधानसभा ये नंबर एक के ऊपर कमल का फूल खिल करके ये चंडीगढ़ के अंदर जाएगा। भाइयों, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त कर दो, कर दो आश्वस्त। प्रधानमंत्री जी अगर पूछेंगे कि नारायणगढ़ से क्या रहने वाला है तो क्या कहूं मैं, बता दो आप। मैं बोल दूं ना, वे कमल का फूल खिलने वाला है 4 तारीख को नारायणगढ़ से। भाइयों, आज मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कई बार लोग बोलते हैं, मैं जब मिलता हूं लोगों को, मेरे को आकर के लोग बोलते हैं कि आपको समय कम मिला और मिलना चाहिए था। मैंने कहा 5 साल का और कार्यकाल पड़ा है, अभी ये समय आपके हाथ में है, ये समय आपने देना है। और हमने कहा है कि हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर